हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एडवेंचर्स लर्निंग। हमारा आज का क्वेश्चन लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से रिलेटेड है एंड द क्वेश्चन इज व्हाट कॉज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंटरी कनाल। जब हम लोग अपने फूड को माउथ में च्यू कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे एलिमेंटरी कनाल या फिर एसोफेगस से हमारा फूड पास ऑन होके हमारे स्टमक में जा रहा है, तो ये जो मूवमेंट है फूड का वो कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल में ये जो फूड है वो कैसे इतनी स्मूथली अंदर चला जाता है या क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है। सो द आंसर इज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा एजेंट है या एक ऐसा सामान है या एक ऐसा चीज़ है जो कि मेनली कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा ऐसे हमें स्ट्रेट दिखता है पर वो अंदर से ना एक्चुअली ऐसा ऐसा है बेबी बेबी, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वेवी थिंग्स, इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंटेन्स मसल लेयर्स, यही है, ठीक है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंटेन्स मसल लेयर्स, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स पुशेस द फूड फॉरवर्ड। सपोज आपने यहाँ से खाना खा के इसको अंदर किया, ठीक है। अब क्या होता है, लाइन से कभी ये आगे आएगा, कभी ये, कभी ये, कभी ये, तो फूड जो पास हो रहा है यहाँ से, तब हमारा जो ये फैट्स है, सॉरी ये जो मसल्स हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, कहीं से दबते हैं कहीं से खुलते हैं। उस तरह से होने से क्या होता है, हमारा जो फूड है वो दबते दबाते नीचे तक स्टमक तक हमारा पहुँच पाता है। पेरिस्टाल्सिस इज एन इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टाल्सिस जो है एक ऐसा इनवॉलेंटरी मूवमेंट है मसल्स का, ये वाले मसल्स का, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, एसोफेगस में या फिर एलिमेंट्री कनाल में होते हैं, दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ वेव लाइक, जो कि ये वेव लाइक के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा फूड है वो एलिमेंट्री कनाल में ईजीली पास ऑन हो पाता है और साथ ही साथ ये डाइजेशन में भी हमें हेल्प करता है। अगर ये वाला चीज़ ना होना तो हमें खाना को, हमारा जो खाना है उसमें कितना भी सलाइवा हो, कितना भी वो अच्छे से च्यू कर लिया हो हमने, हो सकता है कि हमें उसे निगलने में प्रॉब्लम हो, हमारे गले में दर्द हो, इस तरह की चीज़ें इसी वेन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, पेरिस्टाल्सिस की वजह से, एक्स्ट्रा मसल्स की वजह से हमें फेस करने को नहीं मिलती हैं। हमारा फूड नॉर्मली जो हम लोग अच्छे से अगर च्यू कर चुके हैं उसमें जो सलाइवा मिक्स हो चुकी है, इट हैज़ बिकम स्मूथ एंड ईजियर टू डाइजेस्ट, तो वो ईजीली हमारे एलिमेंट्री कैनाल से पास ऑन हो जाता है हमारे स्टमक के लिए। थैंक यू।